हाँ दोस्तों, मैं मांसु पांडे आपके सामने आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 10 मैथ में हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर, किस तरह डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये पॉइंट सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन देखेंगे कैसे कैसे किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कन्वर्ट इंटू रेशनल नंबर। कन्वर्ट इंटू रेशनल नंबर किसको? तो डेसिमल नंबर को। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चंस आ गया, आराम से क्वेश्चंस आ गया 0.2 और इसको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, तो हम आराम से कर सकते हैं क्या 1/5। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चंस आ गया 0.2 के पावर 12, इसको कन्वर्ट करना हो रेशनल नंबर में तो क्या करेंगे? अब ये तो 1/5 होगा नहीं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2/9। फिर 0.25 इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 25/9/9। फिर क्वेश्चन हो 0.42, इसका आंसर हो जाएगा 42-4/9/0। आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये आ कैसे रहा है, ये 90 कैसे हो जा रहा है, यहाँ 25/99 कैसे हो जा रहा है, इसके बारे में डीपली देखेंगे हम। प्रोसेस क्या होता है लगाने का, इसके लिए क्वेश्चंस लेके चलते हैं। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 0.7 पावर 12 और इसको कन्वर्ट करना है आपको रेशनल नंबर में। यह हुआ है 0.7 के पावर 12 और कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लेंगे लेट इसको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.7 के पावर 12। जब बार हटाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू बार बार रिपीटिंग होती जाएगी आगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ रिपीटिंग वैल्यू कौन है? 7 है। तो हम चाहेंगे 7 कम से कम एक बार इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में चला जाए, तो उसके लिए हमको पता है इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 7.77777। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड हो गया, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए मेरे पास कई सारे इक्वेशन बन गए, तो हमको कैसे पता कि किस इक्वेशन में से किसको सेपरेट करना है? तो हम यह देखेंगे कि रिपीटिंग वैल्यू किस इक्वेशन से चलना स्टार्ट हो गई है, किस इक्वेशन से चलना रिपीटिंग वैल्यू स्टार्ट हो गई है, हम वहां से सेपरेट करेंगे। उसके लिए एग्जांपल ले लेंगे, आई पर इसको देखते हैं। तो फिर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 7.777 .. ऐसे पीछे आएगा x इक्वल टू 0.777 .. ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा 9x 7.0000 x इक्वल टू 7/9। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.7 की पावर जो बार है इसका जो रेशनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/9। मान लीजिए कि दो तरह से क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो जाए 0.89 के पावर 12, इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे कि देखेंगे कि कितने पॉइंट तक है इसमें रिपीटिंग वैल्यू, तो 2 डिजिट तक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वही चीज जैसे कि मान लीजिए इसका आंसर आ गया 7/9, यहां पर वही चीज लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.89 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर देखिए अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि 2 डिजिट तक है तो डायरेक्ट चाहें तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले 10 से करेंगे, फिर 100 से करेंगे, फिर 1000 से करेंगे आवश्यकता पड़ेगी तो। यहां देख लीजिए, पहले मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 8.9898 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अभी देखिए रिपीटिंग वैल्यू मेरी क्या है, 9898 छोड़ नहीं, क्या था, 8989 था, मेरा 9 अभी उधर छूटा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 89.89 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में सिर्फ दो ही ऐसा इक्वेशन है जिसमें रिपीटिंग वैल्यू सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सेकंड से नहीं, क्योंकि सेकंड में क्या है 989 रिपीटिंग वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड क्या है आपका 100x इज इक्वल टू 89.89 ये, फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 0.89 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 89.0000। तो यहां फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 89.99, इस तरीके इसका आंसर यह हो जाएगा। तो यहां देखिए हमने दो क्वेश्चन लिया, 0.7 का, 1.89 का, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कोई भी दिया हो तो हम ऐसे लगा सकते हैं, तो मे बी ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया 1.29 और यहाँ ऐसे इसको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, इसका रेशनल नंबर क्या होगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट वही चीज, लेट एक्स इक्वल टू 1. अब रिपीटिंग वैल्यू क्या है, तो 29 29 29 29 ऐसे इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10 से लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों साइड में करेंगे तो क्या होगा, ये 10x इज इक्वल टू 12.92 92 92 92 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब रिपीटिंग वैल्यू उधर ही है, हमको 292 इधर चाहिए, 9 बचा हुआ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किससे करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। बार बार आप फर्स्ट को नोटिस करेंगे, इधर उधर जाने की कोई तरीका नहीं, इधर उधर आप आराम से इक्वेशन फर्स्ट को नोटिस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 129.29 29 29 29 इक्वेशन नंबर थर्ड। रिपीटिंग वैल्यू किसमें किसमें है, तो फर्स्ट और थर्ड में, लिखेंगे इक्वेशन थर्ड में से क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन थर्ड में हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपको 100x इक्वल टू 129.29 29 29 29 डॉट 100। और फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 1.29 29 29 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 99x इक्वल टू 128.00
जीरो 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 ये हो रहा है। उसके बाद देखेंगे यहां x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 128/99। ये चीज यहां से x की वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई। ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 1.28 पावर बाय, ये क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही प्रोसेस लगाएंगे हम लोग। लेट x इक्वल टू 1.288, बस एक ही रिपीटिंग वैल्यू है ना, क्या है 888, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर मल्टीप्लाई बाय किसे 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 10x इक्वल टू 12.88888 इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो रिपीटिंग वैल्यू क्या है 2888 है, 2888 आ गया। अब आ गया तो देखिए हमको इधर क्या चाहिए, सिर्फ 8888 चाहिए और सिर्फ एक ही इक्वेशन है, क्या है 0.28888 है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशंस फर्स्ट बोथ साइड, तो क्या होगा 100x इक्वल टू 128.8888 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मेरे पास कंडीशन यह है कि किसको सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड में से फर्स्ट को करें या थर्ड में से सेकंड को करें, तो थर्ड में से भी फर्स्ट को करते हैं तो रिपीटिंग वैल्यू सेम नहीं मिल रही है, लेकिन थर्ड में से सेकंड को करते हैं तो रिपीटिंग वैल्यू सेम मिल रही है, तो हम लिखेंगे यहां से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा 100x इज इक्वल टू 128.8888, ये क्या है 10x इज इक्वल टू 12.888, सबट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा आपका 90x, ये हो जाएगा 611.0000, x इक्वल टू 116/90, ये आपका आंसर हो जाएगा, या तो काट के इसको और छोटा कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है, इसके लगाने का ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या लगाने का इसका, तो ट्रिक क्या है कि देखिए जितना नंबर लिखा हुआ पर उसको आप लिख लीजिए, लिखा हुआ है मान लीजिए 128, जिसके सर पे टोपी नहीं है उसको इसमें से निकाल दीजिए, तो यहां से किसके सर पे नहीं है तो 12 पे नहीं है, बाकी जिस पर टोपी है जिस पर बार है उसकी वैल्यू 9 होती है और जिस पर बार नहीं उसकी वैल्यू 0 होती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा 12 निकालेंगे तो वही 116/90, डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं इसका। यहां पर इसका ट्रिक देख लीजिए, इसका ट्रिक से लगाते हैं, ट्रिक से तो ट्रिक से क्या हो जाएगा 129-1/99 मीन्स 128/99। तो यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है यह क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप पूरे प्रोसेस ये लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, तो मे भी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या टॉपिक है हम लोगों का, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
क्या होता है इसमें देखते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन में क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का हिंदी यदि हम बोलें तो इसका मतलब होता है टूटना। जो पॉइंट टूट गया, जैसे हमने अभी लिखा था पॉइंट टू, ये टूट गया ना, ये इसके आगे नहीं जा रहा है ना, इसके आगे जाएगा तो अलग ही, जब नहीं जा रहा है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और अभी हम पॉइंट टू के पावर बार लिख दें, इसको बोले ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो कैसे कैसे हम पहचानेंगे किसी रेशनल नंबर को कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पहचानेंगे? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पहले हम समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं देख लेते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होगी, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m, किस रूप में 2m इंटू 5m, द डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग, यानी द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि 17/25 कर लेते हैं, 17/50 कर आई चेक वेदर the decimal expansion of the rational number is terminating or non-terminating। तो पहले terminating है तो चूंकि terminating होगा उसी चीज को देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 50 इसका हम prime factor करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 5 into 5, 2 की पावर 1 into 5 की पावर 2। अब देखिए यह किस रूप में आ गया, ये किस रूप में है, यह आपका है 2m into 5n के रूप में, है ना, इस रूप में दिख रहा है। तो लिखेंगे इफ द हो गया, लिखेंगे द सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 17/50 इज इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5m उस रूप में है, देन डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 17/50 is क्या, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग, बस इसमें इतना ही लिखना है, इस रूप में है तो टर्मिनेटिंग है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, या ऐसा क्वेश्चन सुना दिया होता, मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, दिया होता 17/25 दिया होता, तो तब क्या करते,
तब 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 या फिर 5 के पावर 2। यहां इसका क्या है स्मॉल एक्सटेंशन 5 के पावर 2, तो क्या यह इस रूप में है? कहोगे नहीं सर, क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से 2 की पावर है ही नहीं कुछ। जब नहीं कुछ है तो हम लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि आपको पता होता है कि जब भी किसी नंबर्स का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना हम। जब 2 की पावर 0 आ गया इंटू 5 की पावर 2 आ गया तो वह इस रूप में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द दिस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इनटू 5 की पावर n, देन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रेशनल नंबर इज द टर्मिनेटिंग। आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, मे बी समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, समझ में आ चुका। मान लीजिए 2 की पावर कुछ होता 8 आता यहाँ पे, 5 ना होता तो हम 5 की पावर 0 लिख देते, हमारी वैल्यू हो जाती। ये समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, सीधे इसका उल्टा होगा। यदि वह इस रूप में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा। इसकी डिफिनेशंस की बात कर रहे हैं तो डिफिनेशंस में क्या होगा, डिफिनेशंस में होगा कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इनटू 5 की पावर n, then it is called a non-terminating decimal extension। तो non-terminating decimal extension के example ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिया 29/343 दे दिया, बोल दिया कि check whether the decimal extension of this rational number is terminating or फिर non-terminating। तो उसके लिए क्या करेंगे, 343 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 into 7 into 7 होता है सर। तो इसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3। अब इसमें आया क्या कहीं इस रूप में, नहीं आया। और आप जबरदस्ती लाना भी चाहते हैं तो मान लीजिए लिख भी लेते हैं 2 की पावर 0 into 5 की पावर 0, तो इसमें इन दोनों के अलावा क्या मिला हुआ है, 7 है। इन दोनों के कुछ और नहीं होना चाहिए। तो यहां देखेंगे, लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इट कंटेन 7 as its factor। इसके फैक्टर में क्या है, यह इस रूप में नहीं है, इसमें क्या है, 7 है इस रूप में। तो द डेसिमल एक्सटेंशन, द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 29/343 इज क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम इतना लिख देंगे, बस ये चेक करना होता है आपका, आपके 10.1.3 या 4 में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। आप इस टॉपिक को समझ करके इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, ये भी सारा क्वेश्चन इस पर लगा सकते हैं। अच्छे, आगे देखते हैं कि क्यों यहां पर 2 और 5 को ही चूज किया गया, क्यों 2 और 5। तो देख लेते हैं, ये हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड साहब कौन थे, क्या टॉपिक देकर गए। तब तक आप इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।